तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैली भी है और राहुल गांधी भी जनता को संबोधित करते नजर आएंगे। जनता को संबोधित किया जाएगा आज खरखोदा में राहुल गांधी की तरफ से, तो खरखोदा में चुनावी प्रचार देखने को मिलेगा। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरी तरीके से चुनावी प्रचार को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं कांग्रेस खेमे की तरफ से। अब ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से प्रचार प्रसार किया जाएगा, प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी और साथ ही साथ कांग्रेस के पक्ष में जनता से वोटों की अपील करते नजर आएंगे राहुल गांधी, और प्रियंका गांधी की तरफ से भी जनता से वोट मांगे जाएंगे। तो राहुल गांधी जनता को संबोधित करेंगे और हरियाणा में प्रचार प्रसार यात्रा भी राहुल गांधी की चल रही है। तो हरियाणा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जनसभा आज है, राहुल गांधी की यात्रा प्रचार प्रसार को लेकर भी लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए अब शिखा शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिखा, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार अब चुनावी रैली करते नजर आ रहे हैं और जनता को साधने का प्रयास भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कल राहुल गांधी है जिन्होंने 12 विधानसभाएं जो थी उनको कवर किया था, प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया था और सरकार को घेरने का काम किया था। और वहीं आज बादलगढ़ से उनकी रैली की शुरुआत जो है वो होने जा रही है और गन्नौर में उनकी जो ये रैली जो है वो खत्म होगी। यहाँ भी वो जितने प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। देखने वाली बात है कि ये यात्रा जो है वो बाकी जो जनसभाएं हैं उनकी तरह नहीं हो रही हैं, वो जिस तरह से लोग उनको सुनने के लिए वहाँ आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोग चाहते हैं राहुल गांधी को सुनना। चाहे सरकार कुछ भी कहे पर उनकी इन जनसभाओं में, उनकी इन रैलियों में जनता का साथ जो है वो उनको पूरी तरह से मिल रहा है। कल हमने देखा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो थे वो दोनों एक ही मंच पे थे, मंच से वो प्रचार कर रहे थे, पर अब जब समय बहुत कम रह गए ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो अलग रैली कर रही है, प्रियंका गांधी जो है वो अलग रैली कर रही है और राहुल गांधी जो है वो अलग रैली कर रही है, क्योंकि समय बहुत कम रह गया। ऐसे में उनका कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधना, हर एक एरिया को कवर करना जो है वो बहुत जरूरी है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरह से राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मिलवाए थे, वो हाथ मिलते हुए तो सबने देखे पर वो दिल अंदर से मिले हैं या नहीं मिले वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनता जो है वो अपना वोट डालने से पहले, चुनाव से पहले हर एक चीज जो है वो नोटिस करती है कि ये जो चीजें, ये जो सब चीजें हो रही है ये सिर्फ वोट के लिए या असलियत ऐसी है कि नहीं है। पर आज का माहौल जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत गर्म है, क्योंकि चाहे वो राजनीति नजर आ रही है। अगर हरियाणा की राजनीति की अगर मैं बात करूं, लगातार जानकारी आप तो दे ही रही हैं और साथ ही अभी पूरे तरीके से अब पावर सेंटर हरियाणा को कहा जा सकता है, पूरे देश की राजनीति का केंद्र अब हरियाणा बन चुका है, पूरे देश की निगाहें हरियाणा पर हैं। अब ऐसे में मैनिफेस्टो जब जारी किया गया, कुमारी शैलजा उसमें शामिल नहीं हुई, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला भी दूरी बनाते नजर आए, तमाम सवाल खड़े हुए थे। लगता नहीं शिखा आपको कि हाथ मिलाने में कुछ देरी कर दी, क्योंकि 3 दिन महज प्रचार में बचे हुए हैं, अब उसके बाद सवाल ये भी है कि दिल मिलते नजर आएंगे नहीं आएंगे? शिखा, देखिए एक समय पहले का था कि जब जनता जो थी वो पॉलिटिक्स, मतलब जो युवा लोग थे वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, पहले सोशल मीडिया नहीं थी, आज के टाइम में सोशल मीडिया भी है और युवा जो है वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं और बढ़ चढ़ के आगे भी आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको कई बार आप एक हर एक चीज जो है वो नोटिस कर सकते हैं, आप उसको पॉजिटिव वे में भी ले जा सकते हैं और नेगेटिव वे में ले जा सकते हैं। और चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों का ही जो IT सेल है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, वो बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर हाथ मिला गए, हम सबने देखा कि वो दोनों ही जो है वो हाथ मिलाना नहीं चाह रहे थे, पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक थोड़ी जबरदस्ती की कि आप हाथ मिलाइए, चाहे वो कैमरा के लिए हो, चाहे वो वोटर्स के लिए हो, चाहे वो आए लोगों के लिए हो। तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो इस चीज समझ रही है कि जो हाथ मिले हैं वहां भी दिल नहीं मिल पाए हैं, तो इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं वोटर्स जो है उन पर बहुत पड़ता है। कांग्रेस का कहना है कि घर में बर्तन जो है वो बसते रहते हैं, आपसे मतभेद होता है पर वो घर अलग बात होती है, पर जब घर की बातें चार लोगों के सामने आ जाए तो उसका असर जो है वो लोगों घर परिवार पे जो है वो जरूर पड़ता है और इसका भी असर कहीं ना कहीं वोटर्स पे जो है वो जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, अब ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जनता के बीच में जनता के साथ संवाद कर एक प्रयास भी है जनता को साधा जाए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल के कार्यकाल की अपनी उपलब्धियां को बता रही है जनता के बीच में जाकर कि क्या क्या उपलब्धि हमारी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलवल में आज नजर आने वाले हैं, 20 से 22 विधानसभाओं को सीधा साधने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से। अभी क्या मुद्दे आपको लगते हैं शिखा, हरियाणा की राजनीति पे जनता किन मुद्दों को अपने जहन में रखते हुए यहाँ पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी?
क्या लगता है? सबसे पहले अग्निवीर, जिसको लेकर लगातार विपक्ष भी जो है वो सरकार को घेरता रहता है, और युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर वो अग्निवीर में जाते हैं तो उसके बाद उनके लिए सिक्योरिटी क्या है, उन्हें किस बेसिस पे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, वो अपना घर जो है वो कैसे चलाएंगे, उनका फ्यूचर जो है वो कैसे सेव होगा। किसान, क्योंकि किसान जो है वो राजनीति में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं जब चुनाव होते हैं। अगर किसान आपसे नाराज है तो कहीं ना कहीं ये समझिए कि आपका एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो आपसे नाराज चल रहा है। वो अलग बात है कि कहीं ना कहीं राज्य हमने देखा कि चुनाव जो है अभी भी अपना जो उनका प्रदर्शन चल रहा है खत्म नहीं हुआ, पर कहीं ना कहीं हरियाणा के कुछ किसान जो है वो बीजेपी के साथ पे, क्योंकि लगातार जो एमएसपी देने का वादा किया गया है सरकार के द्वारा उसको वो लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। दूसरा, रोजगार लगातार बीजेपी पार्टी ये कहती है कि हमने रोजगार दिए हैं और आने वाले समय में रोजगार देंगे भी। सबसे बड़ी बात है कि बिना पर्ची खर्चे के हमने नौकरियां जो है वो दी है। जब हम हरियाणा के सर्वे पे निकले हैं, लोगों से बात की, ऐसे बहुत से लोग कह भी रहे हैं कि हमें बिना खर्चे पर्ची के बिना एक रुपया दिए भी हमारी सरकारी नौकरी लगी भी है, हमारे एक ही परिवार में दो दो लोगों को नौकरियां मिली भी है। पर विपक्ष जो है वो ये बात मानने को तैयार नहीं है, वो लोगों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो बीजेपी के द्वारा भी किया जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष घेरने का काम कर रहा है, तो वही सरकार जो है अपने सवाल दे रही है। शुक्रिया शिखा, जुड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।